follicular damage और hair follicular damage पर काम करेगी। hair follicular damage के साथ साथ में prevent it helps to prevent breakage, जो ब्रेकेज होगी उसको भी प्रिवेंट करने में सपोर्ट करेगी। शाइन को मेंटेन करेगी आपके बालों के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एप्पल साइडर, जो बालों की गुणवत्ता को सुधारता भी है। ब्रिंज राज आपकी बालों की ग्रोथ में हेल्प करने वाला इंग्रेडिएंट है। ग्रीन टी आपके बालों की सॉफ्टनेस में बहुत सपोर्टिव है। अदरवाइज क्या होता है कि यदि बाल खुले रखने का जैसे बहुत ट्रेंड है, हर कोई बाल ओपन रखता है, पर लंबे टाइम तक वो लोग ओपन नहीं रख पाते जिनके बाल बहुत रफ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके बालों को चुभ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस नहीं होती उसमें इस वजह से। तो ग्रीन टी भी यूज की गई है जूटे एक साथ जो सॉफ्टनेस को भी हेल्प करेगा। अब इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करने का तरीका इज वेरी सिंपल। जब आपने अपने बालों को वॉश कर लिया है, आपके बाल गीले रहने चाहिए जब आप इसको प्रयोग कर रहे हो। तो गीले बालों में आपको इसको कैल्प से लेके लेंस में सब जगह पे ये यूज होता है, सब जगह पे आपको इसको अप्लाई करना होता है। कैल्प पर भी होता है और लेंस पर भी होता है ये अप्लाई। इट इज नॉट अ कंडीशनल D9 एसोसिएट, बट इट इज अ मास्क जो कम्प्लीटली कैल्प से हर जगह पर अप्लाई होगा। और आपको इसको अप्लाई करने के बाद में 5 मिनट तक आपको इसको छोड़ना है, और 5 मिनट छोड़ने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसको रिंस करना है, पूरा का पूरा अच्छे से रिंस करना है। आपको इसका पार्ट नहीं बचना चाहिए आपके बालों के अंदर, बिल्कुल अच्छे से आपको इसे निकालना है। वॉल्यूमिनस करेंगे आपके बाल इसको फर्स्ट यूज के बाद ही आपको एहसास होता रहेगा।